हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है कुछ अंडर निकल में। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ ये ब्लूटूथ स्पीकर, जो आप इसको इजीली बना सकते हो। और इसका खास बात है, इसको कोई आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 220 वोल्ट में दे दोगे तो ऑन हो जाएगा। और इसको अपने पोर्टेबल साइज है, आप किसी भी जगह में इसको ले जा सकते हो और 220 वोल्ट में दोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको भी सेम ऐसी ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दिखाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पाइप चाहिए जो है 110 mm का। आपको इसको हार्डवेयर शॉप में आपको इजीली इसको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इस पाइप को 7 cm का कट किया है। आप जितना बड़ा इसको बनाना चाहते हो उतना बड़ा इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, इसको हमारा घिस के इसको फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर सैंड पेपर के घिस के मैंने इसका फिनिशिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस, इस पाइप का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने गैस के चूल्हों में इसको गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसका शेप कुछ अलग टाइप का करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने दोनों लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, देख सकते हो। और दोनों लकड़ियों को मैंने इस तरह से खींच के इसका शेप कुछ इस तरह का कर लिया है। आप कोई भी और डिजाइन भी कर सकते हो आपकी जो मन में आए, ठीक है। उसके बाद गाइस, मैंने एक पीवीसी शीट ले लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने इस बॉक्स को मैंने जो तैयार कर लिया था, उस बॉक्स को इसके ऊपर रखने के बाद मैंने पेंसिल की मदद से इसको मार्क कर लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपको वो इस पाइप को कट करना पड़ेगा। तो मैं देख सकती हूँ मैंने दोनों कट कर लिया है, एक ऊपर का और एक नीचे का, दोनों पीस का मैंने कट कर लिया है। उसके बाद इन दोनों पीस को आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो मैं सैंड पेपर के ऊपर इसको घिस के मैं इसका फिनिशिंग कर लेता हूँ जल्दी से। फिनिशिंग करने के बाद गाइस, एक जो पीस आपको ले लेना है, उसको एक पीस लेने के बाद आपको फेविक्विक की मदद से इसको चिपकाना पड़ेगा बढ़िया से। आपको ज़्यादा फेविक्विक देने के बाद आपको इसको चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस, मैं एक 2 इंची का स्पीकर ले लिया है। आप 1 इंच का स्पीकर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गाइस, इस स्पीकर का जो रिंग है, वो रिंग का साइज का हमें एक पीवीसी शीट के ऊपर होल करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसको कंपास से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इस जगह पे कट करने के बाद हमारी जगह फिनिशिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया है कुछ इस तरह का। तो मैंने इसको घिस के थोड़ा राउंड शेप का कर लेता हूँ। तो गाइस, अब मैं जल्दी से इसको सैंड पेपर की मदद से इसको घिस लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी इसको घिस लिया है। उसके बाद गाइस, हमारा जो स्पीकर है, इसकी स्पीकर के ऊपर मैं फेविक्विक की मदद से इसको चिपकाने वाला हूँ। आप ग्लूगन से भी इसको चिपका सकते हो, मेरे पास ग्लूगन था बट वो ख़राब हो चुका है। उसके बाद आपको एक जाली टाइप का तैयार करना पड़ेगा इस बॉक्स को ढकने के लिए। तो मैंने डिज़ाइन से एक चूज़ किया था, उसके बाद मैंने इस जाली को मार्क करने के बाद इसको कट कर लिया है और इसको फिनिशिंग भी कर लिया है, ठीक है। आप जाली का यूज़ नहीं भी कर सकते हो। आप इस बॉक्स को अच्छे दिखने के लिए मैं इस जाली का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपको इस जाली के अंदर से आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा। आप किसी नुकीली चीज़ से इसको खींच सकते हो। मैंने इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से खींच लिया है। उसके बाद आपको 5 mm का LED ले लिया है और LED को बीच में से काटना पड़ेगा। काटने के बाद मैंने दोनों कॉपर का वायर यूज़ किया है और बीच में एक 100 ohm का रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, क्योंकि हमारी लाइट फ्यूज़ ना हो इसलिए मैं इसके रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो LED है, उन LED को हमारा इसके पीस में इसको चिपकाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसको सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका लिया है, आप देख सकते हो। आप ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हो। उसके बाद गाइस, हमारा ये जो पीस है थोड़ी सी गड़बड़ हो चुका है, हमारा जो रेजिस्टेंस है थोड़ी सी ऊंची हो रहा है, इसलिए हमारा स्पीकर के ऊपर आ रहा है। तो हमारा इसको ऊँचा करना पड़ेगा। ऊँचा करने के मैंने लिए इसको PVC शीट से मैंने कुछ पतला पतला पीस कट कर लिया है, आप देख सकते हो। और इस पतला पतला पीस को आपको इसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने के बाद आपको इस पीस को बॉक्स के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। तो मैं इस पीस को इसके ऊपर चिपका लिया है और उसके बाद मैंने इसको हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर के साथ मैं अच्छे से चिपका लेता हूँ फेविक्विक की मदद से, ठीक है। तो गाइस, मैंने इसको बढ़िया से इसको फेविक्विक की मदद से चिपका लिया है, ठीक है। उसके बाद गाइस, इसको चलाने के लिए आपको एक BT चिप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक ऑडियो चिप का भी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मैं जो जो कंपोनेंट इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है, मैं जो जो कंपोनेंट इसमें यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद गाइस, आपको एक चार्जिंग सर्किट ले लेना है, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर से आपको सर्किट बोर्ड ले लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, इसके
चार्जर का जो प्लग आता है उस प्लग को मैं निकाल लिया हूँ और इसको कट करके फिनिशिंग कर लिया है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको इस पीस को हमारा जो बॉक्स है उसके ऊपर चिप करना पड़ेगा और इसके ऊपर ही हमारा सारा बॉक्स का प्रेशर जो है इस प्लग के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको काट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से इसको मोटर की मदद से इसको काट कर लेता हूँ, ठीक है। काट करने के बाद गाइस आपको इसको फिनिशिंग करने के बाद आपका जो प्लग था उन प्लग को आपको इसके ऊपर बैठाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से इसको कट कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया है और इस पीस को मैं इसके ऊपर सुपर ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, इसके ऊपर पूरा प्रेशर आने वाला, तो इसको आपको बढ़िया से चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने दोनों वायर को इसके साथ सोल्डिंग तो नहीं हो रहा था क्योंकि इसका जो है एलुमिनियम का था, तो मैं इसके अंदर कागज़ दे दे के उसके ऊपर मैं सुपर ग्लू दे दिया है, आप देख सकते हो तो प्लग के ऊपर। उसके बाद आपको जो दोनों जो प्लग का वायर है उन दोनों वायर को आपको इसके ऊपर सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेना है, तो मैं कर लिया है दोनों वायर को और आउटपुट का वायर को भी मैं सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद आपको डबल साइड टेप की मदद से इस सर्किट बोर्ड को इसके अंदर आपको बैठाना पड़ेगा, तो मैं इसको बैठा लिया था। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, ग्लू दे के। उसके बाद गाइस हमारे पास ये दोनों सर्किट बोर्ड है, इसके कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। जो तीनों लाइन आप देख रहे हो LTR, इसका कनेक्शन आपको सीधा सीधा करना है, ठीक है। जो जो जैसा है आपको वैसा कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5 वोल्ट प्लस माइनस देना है, जो आपको ब्लूटूथ में जैसे दोगे आपको ऑडियो चिप में भी ऐसे देना है। तो मैं सारा जो कनेक्शन है उन कनेक्शन को कर लिया है। चार्जर का सर्किट बोर्ड से 5 वोल्ट आ रहा था तो मैं इस ऑडियो चिप में कनेक्ट कर लिया है, ऑडियो चिप से मैं ब्लूटूथ चिप को भी कनेक्ट कर लिया है। और उसके बाद हमारा जो RGB LED था कॉपर का वायर को मैंने इस 5 वोल्ट में इसको कनेक्शन कर लिया है। मैंने आपको तीनों वायर को एक जगह पे कनेक्शन करना है, प्लस माइनस ध्यान दे के आप इसको करना है। प्लस माइनस अगर आप गलत दे दोगे तो हमारा सर्किट बोर्ड फूक जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमारा जो ब्लूटूथ और ऑडियो चिप है इसको चिप करने के लिए मैं डबल साइड टेप का यूज़ किया है, तो मैंने दोनों चिप को बढ़िया से इसके ऊपर चिपका लिया है। और हमारे स्पीकर जो है शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं टेप लगा दिया है और उसके ऊपर स्पीकर के ऊपर भी मैंने डबल साइड टेप लगा लिया है क्योंकि हमारा बॉक्स जो है शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो इसको सेफ्टी के लिए मैंने इसको लगाया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पीस है उसको मैंने बढ़िया से चिपका लिया है। आपको चिपकाने से पहले आपको एक बार कनेक्शन पूरा देख लेना है, कनेक्शन आपको सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने पूरा चेक कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको इस पीस को मैं चिपका लिया है, देख सकते हो। और हमारा बॉक्स जो है रेडी हो चुका है। आप अगर चाहते हो तो कलर भी कर सकते हो, कलर करने के बाद हमारा बॉक्स जो है खूबसूरती और बढ़ जाता। तो मैं जल्दी से इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। Hands with a mean mind. Looking back, I wonder why I didn't show you how deep is my love. तो गाइस हमारा शानदार सा ब्लूटूथ स्पीकर का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बात है। आप अगर एक लाइक कर देगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट कोई वीडियो को बनाने के लिए। और आपको ऐसी वीडियो देखना अगर पसंद है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मैं इस वीडियो में क्या क्या गलती किया है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं दूसरी बार जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
तो गाइस आप लोग अच्छे से रहना, तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट वीडियो को साथ लेके, तब तक गाइस बाय बाय।